रिलीज के लगभग 6 दिन पहले ही हाइप और क्रेज के मामले में 2024 का बॉलीवुड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म सिंघम अगेन लगभग 6 दिनों के इंतजार के बाद आते ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली है। लेकिन रिलीज के लगभग 6 दिन पहले ये फिल्म ओवरसीज एडवांस बुकिंग में तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। तो अगर आप भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिंघम अगेन की अभी तक की टोटल ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। साथ ही आप सभी को बताने वाले हैं कि फिल्म का टाइटल ट्रैक आज कब तक रिलीज होने वाला है। साथ ही बात करने वाले हैं कि इंडिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 6 दिनों के इंतजार के बाद दिवाली के मौके पर फिल्म सिंघम अगेन को अपने पहले दिन लगभग 5000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े लेवल पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि फिल्म का हाइप काफी ज्यादा बेहतरीन देखा जा रहा है। जी हाँ, फिल्म को बुकमाइशो पर लगभग 4,63,000 से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें फिल्म के गाने के बारे में, तो फिल्म का आज टाइटल ट्रैक आउट होने वाला है, जिसका की टाइटल है विनाशम करो हम, और ये गाना ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि गाने का टीजर कल ही आउट हो गया था जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। ऐसे में अगर बात करें गाने के रिलीज टाइम के बारे में, तो बताया जा रहा है कि आज 1 बजे तक हमें ये गाना टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर बात करें फिल्म की ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो ये फिल्म अभी तक ओवरसीज से अपने पहले दिन के लिए काफी शानदार कमाई कर चुकी है। ये फिल्म अभी तक लगभग $6,00,000 से भी ज्यादा की कमाई ओवरसीज से अपने शुरुआती 3 दिनों के लिए कर चुकी है। अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये कमाई लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा की है, जबकि अभी भी फिल्म के रिलीज में लगभग 6 दिनों का समय बाकी है। ऐसे में अगर बात करें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी तक इंडिया में शुरू क्यों नहीं हो पाई, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सिंघम अगेन के सामने भूल भुलैया 3 भी रिलीज होने वाली, जिसका हाइप भी काफी बेहतरीन देखा जा रहा है, और दोनों फिल्मों में शोज के लिए काफी बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसके चलते फिल्म की एडवांस बुकिंग को अभी तक ओपन नहीं किया गया। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज शाम तक काफी ज्यादा जगह पर फिल्म की एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कल शाम तक फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में पूरे तरीके से शुरू हो जाएगी और ये फिल्म तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड, और आप सभी को लगता है बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से कितना कलेक्शन कर सकती है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।